एक तरफ बेटी बचाओ का नारा और दूसरी तरफ बेटियों की इज्जत से खेल रहे नेता, आखिर कब जागेगी जनता और कब फूटेगा गुस्सा। बीएचयू की छात्रा के साथ दरिंदगी मामले में बीजेपी आईटी सेल के इन तीन गुनहगारों की गिरफ्तारी पर फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा, फोटो शेयर किया और देखिए क्या कहा। बेटियों की इज्जत से खेलने वालों की बीजेपी में है लंबी लिस्ट, एक एक नाम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, अब अपनी माँ बहन की सुरक्षा का खुद लेना होगा जिम्मा। उन्नाव का कुलदीप सेंगर, दुद्धी के विधायक राम दुलार गौंड, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, ये वो चेहरे हैं जो सत्ता की शह पर दरिंदगी का वो खेल खेलते रहे जिसका खुलासा हुआ तो सब चौंक गए। लड़कियों की असमत लूटना इनका खिलौना बन गया और जो इनका शिकार बना उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और इनके कारनामों के खुलासों पर अब सत्ताधारी मौन है। विरोधी दलों के नेताओं से अगर मच्छर भी मर जाए तो बीजेपी के लोग छाती पीटते हैं, लेकिन इन नेताओं ने जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन बीजेपी का एक प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं है। विरोधियों के अपराध पर बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, मंत्री सब जज बन जाते हैं और सजा सुनाने लगते हैं, लेकिन अपने नेताओं की करतूतों पर इन्हें कोर्ट नजर आता है। अब बीएचयू की छात्रा के गुनहगार जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से सियासी शोर मचा हुआ है। आरोप है कि बीजेपी इन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो फिर गिरफ्तारी की गई और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो फिर अखिलेश यादव ने ऐसा जुलूस बीजेपी का निकाला है कि सब हैरान है। अखिलेश यादव ने तस्वीर को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि ये भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथा कथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में बीजेपी सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई है जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सभी सीमाएं तोड़ दी थी। देश भर की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी, महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेंगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है, जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ करेगी और हैशटैग दिया कि नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाने के बाद साफ कर दिया कि बीजेपी को अब महिलाओं का तो वोट मिलने से रहा, सवाल इस बात का है कि आखिर बीजेपी के लोग अपने नेताओं के गुनाहों को जस्टिफाई क्यों करने लगते हैं। अक्सर नेताजी के एक बयान को लेकर बीजेपी वाले निशाना साधते हैं, लेकिन नेताजी ने तो सिर्फ एक बयान दिया था, बीजेपी के नेता तो कुकर्म कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोलते और क्यों योगी का बुलडोजर इन नेताओं के घरों पर चलने से घबराता है। इन सवालों के जवाब शायद ही कभी मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।